हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मन करता होगा। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मन करता होगा। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है, ठीक है। तो यदि आप क्लास 8 में हैं, यानी कि इस बार आपका क्लास 8 का रिजल्ट आया है, तो ये वीडियो आपके लिए। यदि आप सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल सेवन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये न्यूज सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल फ्री होता है, और साथ ही आपका फूड लॉजिंग मतलब खाना रहने का, ड्रेस और कॉपी किताब सब कुछ फ्री दिया जाता है। और क्लास 6 में भी एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्लास 9 में भी होता है, क्लास 11 में भी होता है। क्लास 6 ये मेन है, लेकिन क्लास 7-8 जाते जाते कुछ बच्चे वहां से वापस आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर उनको वहां पर मन नहीं लगता है, या फिर समझ नहीं आता है। समझ कैसे नहीं आएगा, समझ तो आता ही होगा, मन नहीं लगता होगा, या फिर जो भी कारण है, वहां से ड्रॉप होकर वापस घर चले आते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर सीट खाली हो जाता है। वही सीट को भरने के लिए क्लास 9 में फिर से रजिस्ट्रेशन और एग्जाम लिया जाता है, और क्लास 11 में भी होता है, ठीक है। तो क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जा रहा है, ठीक है। क्लास 9 में यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 8 का अभी आपका रिजल्ट आया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम होगा इसका, एग्जाम में अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो फिर आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने को, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आने को। तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आप करते 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 प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में अचानक कैसे जाऊंगा या कैसे सीखूंगा, वैसा कुछ नहीं होता है। पढ़िएगा पढ़िएगा, सब इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, जो न्यूज आया है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग न्यूज को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, न्यूज 8 सितंबर 2022 का है, दैनिक भास्कर में दिया हुआ है। देखिए, नवोदय विद्यालय की 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए 15 अक्टूबर तक जमा होंगे फॉर्म। रांची, नवोदय विद्यालय समिति ने 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसका सेशन 2023-24 से है, यानी कि आप अभी 9 क्लास में हैं, तो 9-10 दो साल का आपका सेशन रहेगा, इसलिए 23-24 यहाँ पर हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला के इच्छुक स्टूडेंट के माता पिता वेबसाइट, यहाँ पर देखिए jnsadmissionclass9.in, ये वेबसाइट का नाम है, के माध्यम से एडमिशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 15 अक्टूबर है। देखिए, 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, प्रवेश के लिए परीक्षा 11 फरवरी 2022 को आयोजित होगी। यहाँ पर देखिए डेट में कुछ इशू है, यहाँ पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ ये डेट में, या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। 2022 फरवरी तो पार हो चुका है, या फिर ये 2023 हो सकता है, या फिर नवंबर 2022 का ही नवंबर में 11 तारीख को, बट यहाँ पर जो डेट है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी एग्जाम डेट के बारे में मत सोच रही है, बस अभी एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में सोचिए, एग्जाम फॉर्म भर लीजिए आप। डेट जब मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे देखिए, 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए वैसे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 8वीं कक्षा सरकारी स्कूल से पास की है। सिर्फ 8वीं के विद्यार्थी इस परीक्षा को भर सकते हैं, जो अभी 9 क्लास में गए हैं, जिनका 8वीं का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, वे भर सकते हैं, और सिर्फ सरकारी स्कूल वाले भर सकते हैं। साथ ही संबंधित छात्र का उम्र 12 से ज़्यादा और 14 साल से कम होना चाहिए, यानी कि 12 से 14 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बताते चले कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का एंट्रांस एग्जाम है। एंट्रांस के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं में एडमिशन लिया जाता है। तो अभी फिलहाल सिर्फ 9वीं का एडमिशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अभी 6वीं का तो हो चुका है, 11वीं का बाद में पता चलेगा। तो इस तरीके से ये आज का न्यूज है। एग्जाम डेट के बारे में
मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, जब मुझे कंफर्म पता चल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी बस आप लोग फॉर्म भर लीजिए। तो लास्टली मैं यही कहूंगा कि जितने लोग भी क्लास 8 से क्लास 9 अभी अभी आए हैं, आप सभी लोग अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपका जो उम्र है वो 12 से 14 के बीच में है और आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और एग्जाम जरूर दीजिए। बहुत पानी आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।